नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार आज यानी 6 जनवरी 2024 को विधानसभा के विशेष सत्र में समान नागरिक संहिता संबंधी विधेयक पेश कर चुकी है। इससे संबंधित ड्राफ्ट बीते दिनों UCC कमेटी ने CM पुष्कर सिंह धामी को सौंपा था। आइए हम आपको उन सवालों के जवाब बताते हैं कि राज्य में UCC लागू होने से क्या बदलेगा और क्या नहीं, और इसका आम लोगों पर क्या कुछ असर पड़ेगा। बता दें कि सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र अब 18 साल होगी। पुरुष महिला को तलाक देने के समान अधिकार होंगे। लिव इन रिलेशनशिप डिक्लेयर करना जरूरी होगा। लिव इन रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 6 महीने की सजा होगी। लिव इन में पैदा बच्चों को संपत्ति में समान अधिकार। महिला के दोबारा विवाह में कोई शर्त नहीं। अनुसूचित जनजाति दायरे से बाहर। बहुविवाह पर रोक। पति या पत्नी के जीवित रहने पर दूसरी शादी नहीं होगी। शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी, बिना रजिस्ट्रेशन सुविधा नहीं। उत्तराधिकार में लड़कियों को बराबर का हक मिलेगा। तो वहीं आपको बता दें कि हर धर्म में शादी तलाक के लिए एक ही कानून होगा। जो कानून हिंदू के लिए वही दूसरों के लिए भी होगा। बिना तलाक एक से ज़्यादा शादी नहीं कर पाएंगे। मुसलमानों को 4 शादी करने की अब छूट नहीं रहेगी। बता दें कि साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी द्वारा जनता से किए गए प्रमुख वादों में UCC पर अधिनियम बनाकर उसे प्रदेश में लागू करना भी शामिल था। साल 2000 में अस्तित्व में आए उत्तराखंड राज्य में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने का इतिहास रचने के बाद बीजेपी ने मार्च 2022 में सरकार गठन के तत्काल बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही UCC का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दे दी थी। कानून बनने के बाद उत्तराखंड आज़ादी के बाद UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य होने वाला है। गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही UCC लागू है। UCC के तहत प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन, संपत्ति और उत्तराधिकार के समान नागरिक कानून होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज़।